लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। के काम आए जो दुश्मनों के रंग उड़ाए जो उलझनों को सुलझाए जो राजा रैंचो राजा रैंचो तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग एपिसोड में आपने देखा शहर में एक अनजान हथियारा शहर की सुनसान या कम भीड़भाड़ वाली जगहों पर किसी को अकेला पाकर किसी जोड़े को या किसी परिवार को अपना शिकार बनाता है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए अपना जाल फैलाती है, मगर हथियारा उनके जाल में फंसने की बजाय एक दूसरे स्थान पर एक बंगाली परिवार को मौत के घाट उतार देता है। इत्तेफाक से उस परिवार की एक महिला बच जाती है। अस्पताल में वो बयान देती है कि वो हत्यारे को पहचानती है। इससे पहले कि वो हत्यारे का नाम बता पाए वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन पुलिस कमिश्नर राजा को लेकर अस्पताल पहुंचता है। वहां जख्मी औरत राजा को देखकर चिल्लाने लगती है। राजा, ये तुम्हें हत्यारा क्यों कह रही थी? कमिश्नर साहब, ये बात मेरी समझ में भी नहीं आई कि उसने मुझे हत्यारा क्यों कहा। तुम इसे पहले से जानते हो? नहीं, मैं उसे नहीं जानता, बल्कि आज से पहले मैं कभी मिला भी नहीं उससे। बड़ी अजीब बात है, तुम उसे पहले से जानते नहीं जिसने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, और वो तुम्हें देखते ही हत्यारा हत्यारा कहकर चिल्ला उठती है। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे लगता है उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, दैट्स ऑल। मुझे भी यही लगता है। सर, .38 रिवॉल्वर की लिस्ट में मिस्टर राजा का भी नाम है। तुम कहना क्या चाहते हो? So, हो सकता है कि वो औरत सच कह रही है। परंतु तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम इस शहर में नहीं हो, इसके बारे में सॉरी सर। ये इंस्पेक्टर अर्जुन क्या कह रहे हैं? कुछ खास नहीं, दरअसल मैंने इन्हें इस केस पर नियुक्त किया है। अभी अभी नए नए नागपुर से आए हैं, जरा जोशीले हैं, लेकिन है ईमानदार। देखते हैं इस केस में क्या करते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूं कमिश्नर साहब। ओके, जय हिंद। जय हिंद। तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि वो आदमी राजा ही था? मैंने अपनी आंखों से उसे अपने परिवार को शूट करते हुए देखा है। ये भी तो हो सकता है कि तुम उसे अंधेरे में पहचान ना सके हो। मैं अपने परिवार के हत्यारे को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती, वो राजा ही था। देखिए मैडम, आप शायद ये नहीं जानती कि राजा एक नेक और शरीफ आदमी है। वो हर वक्त हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। वो ये सब नहीं कर सकता। मैं ये सब नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे परिवार की हत्या करने वाला हत्यारा सिर्फ राजा ही था। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। ऑफिसर, टेक केयर ऑफ हर।
सर, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। यस। सर, हो सकता है कि मिस्टर राजा एक नेक और शरीफ इंसान है, लेकिन आदमी का दिमाग बदलने में कितना वक्त लगता है। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर राजा को चेक करने में हर्जे क्या है। लुक इंस्पेक्टर, प्लीज सर। ओके, गो अहेड, लेकिन एक बात का ध्यान रखना इंस्पेक्टर अर्जुन, कि राजा ने पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत हेल्प की है, उसे किसी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। डोंट वरी सर, जब तक जुर्म साबित नहीं होता मैं उनको कुछ भी गलत महसूस नहीं होने दूंगा। हाँ प्रधान, ऑपरेशन अर्थ्स एनिमी 1008 टेक्निक सोलर। हाँ इंस्पेक्टर अर्जुन, कहिए क्या बात है। आई एम सॉरी मिस्टर राजा, लेकिन अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए मुझे आपसे कुछ जरूरी सवालात पूछने हैं। हाँ प्रधान, जरा एक मिनट होल्ड करना। हाँ हाँ, आओ ना, पूछो क्या बात है, प्लीज कम सिट। थैंक यू मिस्टर राजा, आओ बैठो। या प्रधान, आई टॉक टू यू लेटर, ओके। हाँ जी, कहिए क्या बात है। मिस्टर राजा, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपके पास .38 की एक रिवॉल्वर है, क्या आप बता सकते हैं इस वक्त वो रिवॉल्वर कहाँ है? इंस्पेक्टर अर्जुन, मेरे पास .38 की रिवॉल्वर थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं गांव गया हुआ था तो वो रिवॉल्वर मेरे घर की सेफ से किसी ने चुरा ली। मैंने पुलिस में उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा दी, आप चाहे तो वहां से पता कर सकते हैं। डोंट वरी, वो तो मैं कर ही लूंगा। अच्छा, और एक बात बताइए, आप इन तमाम हत्याओं के वक्त आप कहां कहां थे? एक मिनट, अभी बताता हूं। रेंचो, जरा वो मेरी अपॉइंटमेंट वाली डायरी लेकर आओ, पर्सनल डायरी। डेट्स बताइए कौन कौन सी हैं। जी हाँ, पहली हत्या भी 22 दिसंबर को, दूसरी भी 25 को, तीसरी भी 7 जनवरी, 12, 15, 16 और सातवीं भी 17 जनवरी को। थैंक यू रंजू। आपने डेट्स बताई 22 और 25 दिसंबर जी, 7 जनवरी, 12 जनवरी, 15, 16 और 17। एक मिनट, मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको। तो शुरू में ही आ जाएगा लास्ट ईयर का 22, 25, उसके बाद आपने कहा 12, 15, 16, 17। या इंस्पेक्टर, ये इन सब डेट्स में जो आपने बताई हैं, 17 तारीख को छोड़कर, मैं शहर के किसी ना किसी मौजूद इंसान के साथ मौजूद था, किसी ना किसी खास काम के लिए। 17 जनवरी की रात, यानी उस बंगाली परिवार का कत्ल हुआ उस वक्त। जी मिस्टर राजा, क्या आप बता सकते हैं कि उस वक्त आप कहां थे? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर अर्जुन, 17 की रात को मैं कहां था मैं आपको नहीं बता सकता। या बताना नहीं चाहते? आप कुछ भी समझ लीजिए। I'm sorry, Mr. राजा, फिर तो मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी। नहीं रंजो, कूल डाउन, ये उनका फर्ज है, उन्हें पूरा करने दो। सर्च वारंट है मेरे पास, देखिए। या प्लीज, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। ओके इंस्पेक्टर, थैंक यू, प्लीज गो अहेड। रंजो, इनकी मदद करो। हर जगह अच्छी तरह तलाश करना, तुम इस तरफ जाना, तुम पीछे वाले रूम पे, और आप उस तरफ जाएंगे। ओके
राजा, ये सब क्या हुआ? राजा को गिरफ्तार क्यों किया गया? सर, मिस्टर राजा को मैंने शक के बिना पर गिरफ्तार किया है। मुझे शक है कि जिस रिवॉल्वर से ये तमाम हत्याएं हुई है वो रिवॉल्वर मिस्टर राजा का ही है, और उसी रिवॉल्वर को मिस्टर राजा चोरी हुआ बता रहे थे, जबकि वही रिवॉल्वर मिस्टर राजा के घर से बरामद हुआ है। लेकिन केवल शक के बिना पर राजा को गिरफ्तार कैसे कर सकते हो? पुलिस अपनी कार्रवाई शक के बिना पर शुरू करती है सर, और एक दिन सबूत भी मिल जाते हैं। तुम नहीं समझते इंस्पेक्टर, राजा अपराधी नहीं हो सकता, उसे छोड़ दो। सर, आप चाहे तो मुझे इस केस से अलग कर सकते हैं, या चाहे मेरा तबादला कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी हालत में मिस्टर राजा को छोड़ नहीं सकता। मिस्टर राजा निर्दोष है या नहीं, इसका फैसला कल अदालत में होगा। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यह शख्स जो इस कटघरे में खड़ा है, इसका नाम है राजा, प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर राजा। कहने को तो यह प्राइवेट डिटेक्टिव है मिलॉर्ड, लेकिन असल में यह क्या है यह कोई नहीं जानता। आज यह जिस जगह पर खड़ा है उसकी वजह है इस पर उन तमाम हत्याओं का आरोप जो पिछले कुछ दिनों से मुंबई शहर में की जाती रही। यह वही राजा है मिलॉर्ड जो लोगों के सामने मसीहा बनकर रहता है, लेकिन इसी मसीहा ने पिछले कुछ दिनों में कितने मासूम, कितने बेगुनाह लोगों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, ये सारा शहर जानता है। शायद ये सिलसिला और भी चलता रहता मिलॉर्ड, लेकिन शायद इसकी बदकिस्मती कहिए या बंबई शहर के लोगों की खुशकिस्मती, 17 जनवरी की रात जब इसने एक बंगाली परिवार पर कातिलाना हमला किया, तो उस हमले में उस परिवार की एक औरत जिंदा बच गई, और होश में आने पर उस औरत ने ना सिर्फ इनका नाम लिया बल्कि इस शख्स को पहचान भी लिया। अपनी बात को सही तरह साबित करने के लिए मैं उस बंगाली औरत लता मुखर्जी को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत दी जाती है। लता मुखर्जी हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो श्रीमती लता मुखर्जी, क्या आप अदालत को यह बताने का कष्ट करेंगे कि 17 जनवरी की रात आपके साथ क्या हादसा पेश आया? जी, उस रात हमारी गाड़ी चलते चलते अचानक बंद हो गई थी, और जब सिर्फ आधा किलोमीटर दूर हमारा घर रह गया था, इसकी जीप उधर से गुजरी। जज साहब, इंस्पेक्टर ने हमारी मदद भी करनी चाहिए, लेकिन मेरे पति ने मना कर दिया, और पुलिस की जीप के जाते ही एक नौजवान ओवरकोट और हैट पहने एक रिवॉल्वर हाथ में नचाता हुआ अचानक हमारे सामने आ गया। मेरे पति के पूछने पर उसने बताया हत्या करना उसका शौक है। मेरे पति ने गिड़गिड़ाकर अपने परिवार की सलामती की भीख मांगी, लेकिन वो नहीं पसीजा, वो नहीं पसीजा जज साहब, बल्कि उसने कहा कि राजा की डिक्शनरी में रहम नाम का शब्द ही नहीं है, और उसने मेरे सामने बारी बारी से मेरे परिवार को गोली से उड़ा दिया। योना, इस दरिंदे की वजह से इस औरत का भरा पूरा घर उजड़ गया, इसकी जिंदगी वीरान हो गई मिलॉर्ड, और ये बेचारी उस कत्ल के केस की इकलौती चश्मदीद गवाह है। शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। योना, मेरे दूसरे गवाह है पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन। इजाजत है। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जान के कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो इंस्पेक्टर अर्जुन, आप ये बताइए
कि जब आपने मिस्टर राजा के घर रेड की तो आपको क्या मिला? मिला तमाम हत्याओं को देखकर पुलिस एक नतीजे पर पहुंची कि ये सभी हत्याएं .38 रिवॉल्वर से की गई है। हमने तमाम रिवॉल्वर लाइसेंसधारियों की एक लिस्ट बनाई जिसमें मिस्टर राजा का भी नाम था। मैं महज शक के आधार पर मिस्टर राजा के घर पर सर्च वारंट लेके पहुंचा। मैंने उनसे उनकी रिवॉल्वर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि चोरी हो गई, जबकि तलाशी में वो रिवॉल्वर उनके घर से ही बरामद हुई। बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चलता है कि सारी हत्याएं इसी रिवॉल्वर से हुई है, हालांकि उस रिवॉल्वर पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले। मैंने मिस्टर राजा से 17 जनवरी की रात के मौजूदगी के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। दरअसल में यू ऑनर, इन तमाम गवाहों के बयान से साफ जाहिर होता है कि मिस्टर राजा ने एक सोची समझी योजना के तहत रिवॉल्वर चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई, जबकि रिवॉल्वर चोरी नहीं हुआ था। और फिर उसी रिवॉल्वर से एक एक करके इन्होंने अलग अलग जगहों पर कत्ल किए ताकि इन पर किसी का कोई शक न जा सके। लेकिन ये एक गलती कर गए मिलोट, इन्होंने वो रिवॉल्वर अपने ही घर में छुपा लिया ये सोचकर कि पुलिस इन पर शक नहीं करेगी। इनकी बदकिस्मती कि इंस्पेक्टर अर्जुन का तबादला इसी शहर में हो गया और मिस्टर अर्जुन इनसे तनिक भी प्रभावित नहीं थे और उन्होंने इन्हें पकड़ लिया। अगर यहां का कोई पुलिस वाला होता तो शायद मिस्टर राजा पकड़ में नहीं आते, क्योंकि यहां के पुलिस डिपार्टमेंट में इनकी छवि एक नायक की है, एक हीरो की। मेरी अदालत से दरख्वास्त है मिलोट कि ऐसे शख्स को जिसने ऐसी दुर्दांत हत्याएं की हो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इंसान कानून के साथ ऐसा खिलवाड़ ना कर सके और ना ही कोई ऐसा घिनौना काम कर सके। That's all we know. आर्डर, आर्डर। मिस्टर राजा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तुम्हारा वकील कौन है? मिलॉर्ड, मेरी अदालत से एक इल्तिजा है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने मुकदमे की पैरवी खुद करना चाहूंगा। मैंने कानूनी पढ़ाई पढ़ी है और अपना वकालतनामा पुलिस के जरिए पहले ही अदालत में पेश कर चुका हूं। तुम्हें अपनी पैरवी करने की इजाजत दी जाती है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त सरकारी वकील मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर चुके हैं। ये जरूरी नहीं कि आंख जो देख रही हो वो हर बार सच ही हो, लेकिन एक बात तय है कि सच चाहे लाखों पर्दों के पीछे क्यों ना छुपा हो, एक ना एक दिन वो लोगों के सामने आ ही जाता है। मुझे नहीं मालूम कि इन सारे कत्लों के पीछे कौन है, मतलब हत्यारा कौन है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं निर्दोष हूं। मैं जानता हूं कि मेरे काबिल दोस्त सरकारी वकील अब इस बात को जरूर कहेंगे कि अपराधी हर बार अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ऐसी ही बात करता है, लेकिन मैं इनको एक बात बता दूं कि मेरे पास अपनी बेगुनाही का एक एक पक्का सबूत मौजूद है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो मुझे एक दिन की मोहलत जरूर दे ताकि मैं वो सारे सबूत अदालत के सामने पेश कर सकूं। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, ये जरूर इनकी कोई चाल है। मेरे ख्याल से इनको मोहलत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अपराधी को मोहलत देने का मतलब होता है शहर में और कत्ल और खून। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त सरकारी वकील ठीक ही कह रहे हैं, अगर मैं खूनी हूं तो कत्ल जरूर करूंगा, लेकिन मैं अपने काबिल दोस्त सरकारी वकील को यह बता देना चाहता हूं कि मैं ये सारा काम, तहकीकात का सारा काम, सबूत इकट्ठा करने का सारा काम पुलिस की पहरेदारी में करना चाहता हूं ताकि सनद रहे और अदालत की अवमानना ना हो। That's all, मिला। अदालत तुम्हें एक दिन का समय देती है, परसों फिर सुनवाई होगी, तब तक तुम पुलिस की निगरानी में अपना केस तैयार कर सकती हो। आज के लिए कोर्ट बर्खास्त की जाती है।